नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम बस स्टैंड में, जहां पर आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पीएचई जितने भी डेली वेजर हैं विभाग में काफी दिनों से बैठे हुए हैं, उनको लेकर, उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे यही है SRO 64 के तहत जितने भी डेली वेजर उनको पक्का किया जाए और साथ ही साथ 70-80 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है उन्हें पक्का राशि दी जाए, जो उनका अधिकार है। कहा यही कहा गया था कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजर को पक्का किया जाएगा। सरकार केंद्र में आई प्रचंड बहुमत के साथ, पर पक्का करना तो दूर, उनका जो पेंडिंग वेजेस है वो भी नहीं दिया गया। अभी हाल ही में अगर बात करें, एक कमेटी का गठन किया गया, 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया और जो कमेटी जितने भी ग्रीवियंस और रेड्रेसल करेगी डेली वेजर्स के, पर आखिर और कितना इंतजार। करवा चौथ आया, दिवाली आई, हर त्योहार फीका गया। अब राष्ट्र बजरंग दल ने भी बीड़ा उठाया है इनकी आवाज को प्रशासन और सरकार तक लाने का। 61,000 परिवार, हर एक की नजरें गिराए, हर एक नेता की तरफ, हर एक पार्टी की तरफ सालों से, काफी सालों से नजरें गिराए हैं कि कोई भी सरकार आएगी, कोई भी नेता जो उन्हें आश्वासन दिलवाते हैं वो उनकी कहीं ना कहीं देखिए, जितने भी डेली वेजर हैं वो आज की डेट में सड़कों के ऊपर हैं, वो धरने प्रदर्शन के ऊपर हैं। डेली वेजर 132 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांगों को अभी तक किसी ने नहीं सुना। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जब कुछ इलाकों का पानी बंद किया तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हलचल मची और 1:30 बजे डीपकॉम साहब उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द एक कमेटी का गठन करेंगे जो आपकी मांगे जो है आपकी, उनको सुना जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कमेटी जो है वो नजर नहीं आई। जिस प्रकार से डेली वेजरों ने दिवाली मनाई है वो आप सभी मीडिया वालों से वो छुपी नहीं है। जिस प्रकार से उनकी जेबें खाली थी, उनकी थालियां खाली थी, उनके दिए खाली थे, उनके परिवार के बच्चे जो है वो रोए हैं उस दिन, डेली वेजर यहाँ पर मीडिया के सामने रोए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अरे क्या करना है ऐसा विकास कि जब लोग मर रहे हैं और वो अभी भूखे मर रहे हैं, आप 75 महीने की सैलरी उनकी दबा के बैठे हैं, जो उनकी मेहनत है, जो उनका हक है, जो अभी तक आपने नहीं दिया। हम लगातार डेली वेजरों के समर्थन में हैं। अभी 2 दिन पहले हमने डीपकॉम को भी एक मेमोरेंडम दिया, उसके अंदर भी हमने मांग की कि इनकी 75 महीने की सैलरी जो है वो रिलीज की जाए और SRO 64 जो रेगुलाइज पॉलिसी है उसको लागू कर इनको पक्का करने का काम जो है वो किया जाए। अगर सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं करती, ये आज वार्निंग प्रोटेस्ट जो है हमारी तरफ से है, अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं हिलती तो 5 तारीख को हम बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे और सेक्रेटरेट के पास करेंगे ताकि सरकार को नींद से जगा सके। यह सरकार को हमारी चेतावनी है कि समाज इकट्ठा होने लगा है, समाज संगठित होने लगा है, यह हमारे परिवारों के लोग हैं, यह हमारे समाज के लोग हैं और इनको भूखा हम रहने नहीं देंगे, इनके मेहनत का हक जो है वो हम जो है सरकार को दबाने नहीं देंगे। 2 दिन पहले एक कमेटी का गठन किया गया डेली वेजर्स के लिए, 5 मेंबर की कमेटी का, कि जो इनके ग्रीवेंसेस को रेडरेसल करेगी। कमेटी बनाना और जल्द से काम करना, ये दोनों में कितना अंतर है? देखिए कमेटी बनाई भाजपा ने, मैं स्वागत करता हूँ। उसके अंदर चेयरमैन जो है वो श्यामलाल शर्मा जी को बनाया गया, अच्छे राजनेता है, पीएचई वालों का या जितने भी डेली वेजर है उनका दुख दर्द जो है वो समझते हैं और उन्होंने इनसे डील भी किया है। लेकिन ये कमेटी केवल कमेटी ना रहे, उनका हक दिलाने का काम जो है ये कमेटी करे। अगर ये कमेटी उनका हक नहीं दिला पाई तो किस काम की ये कमेटी। लेकिन हम आशा करते हैं, हम श्यामलाल शर्मा जी से भी निवेदन करते हैं कि पुरजोर से अपनी ताकत लगाकर इनका हक दिलाने का काम जो है
वो डेली वेजरों का जो हक है उनको दिलाया जाए। अगर आपकी इस चेतावनी के बाद भी सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती है, फिर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हमने कहा 5 तारीख को हम अगला प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सरकार को जगाना और सरकार को हिलाना हमारा काम है। ये हमारे परिवारों के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इनको भूखा नहीं रहने देंगे। और इनके जो हक है, इनका मेहनताना है, जो 75 महीने की सैलरी सरकार दबा कर बैठी है, पहले तो वो रिलीज करे और उसके बाद SRO 64 के तहत जो रेगुलराइज पॉलिसी है उससे के तहत इनको पक्का करने का काम सरकार करे। ये काम हम करवा के छोड़ेंगे। अगर नहीं करेगी सरकार तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। राकेश जी, यही प्रदर्शन अगर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हो या फिर फरूदुल्ला के खिलाफ हो तो कहीं ना कहीं अग्रेशन आपका नजर आता है। आज आपके सुरों में नरमी जो है वो ज्यादा दिख रही है, गर्मी कम दिख रही है। देखिए, नरमी कहीं नहीं हमारी। मैंने कहा वार्निंग प्रोटेस्ट, आज हमारा वार्निंग प्रोटेस्ट है। सरकार को चेताना और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं हम। आगे आगे गर्मी भी नजर आएगी, लेकिन सरकार को हिलना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सबसे पहले 75 महीने की सैलरी इन डेली वेजरों की जो है वो इनको देनी पड़ेगी, जो इनका हक है। जब भी हम भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं कि 75 और 80 महीने की पेंडिंग वेजी तो दीजिए, वो कहते हैं पुरानी सरकार के कार्यकाल में हुआ, पर डेली वेजर कहते हैं भाजपा के कार्यकाल में हमारी पेंडिंग वेजी। देखिए, ये उन्होंने जांच करनी चाहिए, ये कब की है। चलो कभी की भी हो, काम किया है ना, मेहनत की है ना, तो उनका हक है। इनको वो सैलरी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज करनी चाहिए, जिसकी मांग वो लगातार करे। अगर ये सैलरी जो है कम से कम 10-15-20 महीने की सैलरी ही अगर दिवाली से पहले उनकी रिलीज कर दी जाती तो उनकी दिवाली भी अच्छी बनती, उनके बच्चे भी जो हैं वो बड़े खुश होते, वो भी नाच गा कर दिवाली मनाते। जबकि दिवाली जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा त्योहार जो माना जाता है। उम्मीदें मौजूदा सरकार से? देखिए, मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया है, मुझे लगता है कि जल्द डेली वेजरों को खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है। लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम जो है हम लगातार जारी रखेंगे। आप हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते, महबूबा मुफ्ती जी के बयानों को हमेशा आड़े हाथों लगते हैं, आप क्या 61,000 डेली वेजर के लिए भी आप इसी तरह से पूरी बुलंदी से आवाज उठाएंगे? देखिए, समाज के लिए हमारा संगठन जो है वो धार्मिक भी है और सामाजिक भी है। जो सामाजिक काम है तो सामाजिक काम में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं और हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, हमें कोई TRP नहीं चाहिए, हमें केवल काम चाहिए। हमारा इस समय यह फर्ज बनता है कि इनकी सैलरी दिलवाने का काम और इनको SRO 64 के तहत रेगुलराइज पॉलिसी इनके ऊपर लागू करवाने का काम जो है वो हमें पहले करना चाहिए, जो हम लगातार जो है वो कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में रखा था केंद्र में सरकार आएगी सबसे पहले इन्हीं को रेगुलराइज किया जाएगा, फिर आज अपने ही वादे को क्यों मुकर रहे हैं या इतना लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन आने वाले हैं, इससे पहले इनको इनका हक जो है वो इनको देना पड़ेगा। मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, मैं तो कहता हूं कि सरकार कमेटी बनाए, इनको बैठाए, इनसे बातचीत करे, सबसे पहले 75 महीने की सैलरी रिलीज करे और जो रेगुलराइज पॉलिसी अगर उसमें 2-4 महीने लगते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार करे। पर मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं मनोज सिन्हा जी, ये पूरी तरह से सक्षम है और बातों को समझते हैं, एक पुराने मजे हुए जो है राजनेता है, और मुझे उम्मीद भी सबसे ज्यादा इनके ऊपर ही लगती है कि ये जल्द से जल्द इसको पक्का करें। अगर इलेक्शन से पहले डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं किया, भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, सभी को भुगतना पड़ेगा। 62,000 यानी कि x5 कर लो, कईयों के 5 मेंबर हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 10 हैं, तो ये 3 लाख से ऊपर आंकड़ा जाता है। तो इसलिए समझना पड़ेगा, 3,35,000 वोटर जो है वो इनका जो है वो जाएगा। बात करते भाजपा के नेता कहते हैं इसे राजनीति के साथ मत जोड़िए। देखिए, राजनीति जब आप मैनिफेस्टो में रख रहे हैं, हमने भी यही सवाल, तो वो राजनीति का मुद्दा नहीं बना। बिल्कुल, जब आप मैनिफेस्टो में रख रहे हैं और उसके बाद आप काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं इतना समय होने के बावजूद, तो उसके बाद आप इसको राजनीति से बोलते हैं, जोड़िए नहीं, तो ये सामने नजर आता है। इसलिए काम करें, केवल काम करें।
साफ तौर पर आपने देखा रखे बजरंग जी का घर, क्योंकि कल जब हमने एमपी जुगल किशोर शर्मा जी से सवाल किया था कि साल 61,000 परिवारों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इलेक्शन से पहले इनको परमानेंट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो सपना है 50 पार का 50 किया वो 5 भी नहीं ले पाएंगे। तो जुगल किशोर शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा था इसे राजनीति के साथ मत जोड़िए। तो आज राकेश बजरंगी जी ने भी कहा, जो जवाब हमने कल दिया था जनाब राजनीति के साथ तो आपने खुद ही जोड़ दिया, जब आपने कहा था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी सबसे पहले इन्हीं टेलीविजन को पक्का किया जाएगा क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में है, याद करवाने की जरूरत है। और आज राष्ट्रीय बजरंग दल नजर आने वाले समय में और कौन कौन से दल जो कि टेलीविजन के हक की आवाज उठाएंगे उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तो बेहतर है गेंद अब भाजपा के पाल में है, किस ओर उछालना है भाजपा का फैसला रहेगा। अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।